प्रॉब्लम 33 में करंट सेंसिटिविटी दे रखा है बच्चों, मतलब ये एस ऑफ आई का टर्म होगा किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जो कि 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दे रखा है, ये हो जाएगा एस ऑफ वी, डेफिनेशन है एंगल पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट वोल्टेज, और ये 20 दे रखा है। आपसे पूछा है कितना होगा इसका रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर भी बोलते हैं इसको और जी भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको रख लो, जो एंगल पे डिविएट करता है ना वो डिपेंड कर जाता है बच्चों करंट पे, ये अपन थ्योरिटिकली पढ़ते हैं हमेशा। यहाँ सीखते हैं अपन सेंसिटिविटी करंट का कितना होगा, थीटा डिवाइड बाय आई हो जाएगा, डिविजन्स के फॉर्म में इसको लिख दो 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, मिली का मतलब हो जाएगा 10^-3, ये आ गया बच्चों अपने पास 5000। सिमिलरली एस ऑफ वी कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाय वी हो जाएगा, ये है ना डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दिया हुआ है अपने पास 20 डिविजन्स डिवाइड बाय, ये बच्चों 1 वोल्ट का टर्म ही होगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट अवे अपन लिख लेते हैं 20। अब अपन बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये होगा वी डिवाइड बाय आई होगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो और थोड़ा बहुत सेंस लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ एस ऑफ आई डिवाइड बाय एस ऑफ वी करूंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय आई, और ये थीटा बाय वी हो जाएगा बेसिकली। तो अल्टीमेटली मिल तो वही रहा है अपन को, तो आंसर आ गया अपना 5000 डिवाइड बाय 20, आंसर हो जाएगा बच्चों ये सीधा सीधा 250। रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आ रहा है ओम्स, ठीक है, काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये अपन को पता है, ये भी गिवन है और सीधा आंसर मिल रहा है रेशियो लेते ही। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं,